हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 121 में कंपाउंड ए है विच इज डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक वर्मिक्यूलिन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ए का ये स्ट्रक्चर दिया है। अब इसमें इसका H2PD चारकोल के साथ जो है रिडक्शन करते हैं। देखिए बच्चों, केवल H2PD होता ना तब ये सी डबल बोन ओ जो है इसका रिडक्शन हो जाता है 2 डिग्री एल्कोहल में, लेकिन इस चारकोल के डालने के कारण क्या हो जाता है कि ये कीटोन का रिडक्शन नहीं कर पाएगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात हो गई और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो गई। H2PD केवल दे तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होता है, और उसके साथ चारकोल मिला दे तो बच्चों ये कीटोन का रिडक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब ये एज इट इज रहेगा। तो ये एज इट इज रहेगा बच्चों, इसको सिंगल बना दो आप, फिर ये एज इट इज रहेगा, ये सिंगल बना दो। अब देखो कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो ये जो बना ये हो गया हमारा बी प्रोडक्ट, ए से H2PD चारकोल के साथ रिडक्शन कर दिया, बी बन गया। चार ऑक्सीजन है, देखिए 1, 2, 3 और 4। और तो और देखिए बच्चों, ये जो बी का मोलेकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है ये इस बात का सबूत है कि यहाँ से देखिए ऑक्सीजन हटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है बच्चों, H14 से 18 हो गया है। तो H14 से अगर 18 हुआ है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ गए होंगे। जबकि अगर एल्डिहाइड अगर हम कीटोन को रिड्यूस कर देते हैं तो बच्चों 2 हाइड्रोजन और बढ़ेगा यहाँ यहाँ, और 2 यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 और बढ़ने चाहिए। तो ये मोलेकुलर फॉर्मूला भी इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि H2PD चारकोल के साथ रिडक्शन करने पर इस कीटोन का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता चल रहा है इस क्वेश्चन से, और ये होता भी है। तो ये हो गया बच्चों बी। अब सवाल उठता है कि बी तो हमें प्राप्त हो गया, बी का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब कहता है कि सी क्या होगा, सी क्या होगा जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी दे रखा है। कहता है सी क्या होगा जिसका ओजोनोलाइसिस किया जाए, ओजोनोलाइसिस भी डाइमिथाइल सल्फाइड, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किसके साथ किया जाए ताकि हमें ये कंपाउंड मिल जाए। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए पेरेंट चेन में ही डबल बॉन्ड है, यहाँ से इसको कट करेंगे, ये कट करेंगे बच्चों, आपको पता है सी डबल बॉन्ड सी में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे, कट करेंगे दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, यही होता है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे ही मैं इसको रिडक्टिव करूँगा तो यहाँ से कट करके ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन लगेगा, बात सही है, बट यहाँ से भी चेन टूट जाएगा और फिर एस्टर अलग और ये अलग हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। सी में भी देखिए वही प्रॉब्लम है, सी में वही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से काटेंगे एक तो चैन टूट जाएगा, दूसरा यहाँ से काटेंगे तो बच्चों ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ भी नहीं बन रहा है ना, तो ये भी दिक्कत है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि बी आंसर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर नन ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ऑक्सीजन, यहाँ से भी करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो सब कुछ बनता हुआ तो दिख ही रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ भी गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 कार्बन का पेरेंट चेन है। फिर बच्चों देखिए चौथे और नौवें पर सी डबल बॉन्ड ओ है, इसमें भी है, और इधर से एस्टर है तो इधर भी एस्टर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी बिल्कुल फिट बैठ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 122 में बच्चों रिएजेंट मिसिंग है, रिएजेंट हमें गेस करने हैं। पहला हम देखिए बच्चों, ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन का
ऑक्सीडेशन करके और इपॉक्साइड बनाया हुआ है। तो आपको पता है कि इपॉक्साइड बनाया जाता है पर एसिड से। जब भी हमें एल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करना होता है तो हम पर एसिड को यूज में लेते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए तीन ऑप्शन है जिसमें पर एसिड चल रहा है। तो ये ऊपर में तो बच्चों पर एसिड हो गया, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा साइट है इसमें बच्चों ये सी डबल बॉन्डों को मेंटेन रखा है। तो देखिए यहाँ पर बात ये है, समझना होगा कि पहली बार जब पर एसिड यूज हुआ, पहली बार देखिए डबल बॉन्ड तो दो था ना बच्चों, तो पर एसिड का यहाँ पर एक मोल यूज में लिया गया है, पर एसिड का एक मोल यूज में लिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि दो दो एल्कीन है तो वहीं पर क्यों इपॉक्साइड बना, नीचे वाले में क्यों नहीं बना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो देखिए बच्चों ऑक्सीडेशन हमेशा उसी का होता है, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन सा साइट करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस एल्कीन में आप देखो अल्फा एच कितना है, 3, 1, 4 है, जबकि इस एल्कीन में आप देखो 2, 2, 4 और 3, 7 है। तो इस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है अल्फा एच ज़्यादा होने के कारण, और चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन भी उसी का सबसे पहले होगा, इसीलिए इपॉक्साइड भी वहीं पर बना। आ रहा है समझ में? तो ये बन गया बच्चों, तो पर एसिड तो होगा, ये बात बिल्कुल सही है, बट पर एसिड से यही वाले साइड का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अब बच्चों यहाँ पर बी रिएजेंट हमें ढूंढना है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है, दूसरा एल्कीन जो है उसका क्या हुआ है, दूसरा एल्कीन में बच्चों कीटोन बना हुआ है। तो दूसरे एल्कीन का कीटोन कौन बनाएगा, कैसे बनेगा? तो दूसरे एल्कीन का कीटोन बनेगा ओजोनोलाइसिस से। किससे बनेगा बच्चों? ओजोनोलाइसिस से, क्योंकि देखिए H2O2 डायरेक्ट ऑक्सीडेशन का कोई रूल नहीं होता है एल्कीन में। फिर बच्चों ये तो खैर नहीं हो पाएगा, यहाँ HIO4 है, तो HIO4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये विसिनल डाइओल का ऑक्सीडेशन करता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ले देंगे बच्चा एक ही। तो ओजोनोलाइसिस में बच्चों आपको पता है यहाँ से बोन को काट देंगे, जैसे ही बोन को काटेंगे तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को जोड़ देंगे और फाइनली हमारा यही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आंसर हो गया सी।